नमस्कार दोस्तों, हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है। ध्रुव राठी का कहना है कि हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है। क्या आप लोगों को लगता है कि हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है? एक महीने पहले ये सवाल जब मैंने आप लोगों से पूछा था, जाहिर सी बात है बहुत से लोगों को शॉकिंग लगा था। लेकिन किसी भी सच्चे देशभक्त के लिए जो सही मायनों में देश की परवाह करता है, उसके लिए सवाल बहुत जरूरी है। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि 2014 के पहले बहुत तानाशाही के अंदर गिर गया था हमारा देश। गवर्नमेंट के ऑफिस में करप्शन, हर ऑफिस में गवर्नमेंट का करप्शन था 2014 के पहले। 2014 के बाद में ये करप्शन गवर्नमेंट ऑफिस का मेरे ख्याल से 100 में से 80% कम हो चुका है, 70-80%। ओके, और तानाशाही के नाम पे इतने गुंडे पाल रखे थे ये कांग्रेस पार्टी ने कि जिसकी हद नहीं। गुंडे बोले तो हर एक पॉलिटिशियन के पास में 10 से 12 गुंडे रहते थे, ये आपको भी पता है। वो ताना शहीद। कुछ लोग जिन्हें अभी भी लगता है कि डेमोक्रेसी सुरक्षित है देश में अभी भी, या फिर जिन्हें लगता है कि तानाशाही अच्छी चीज होगी देश के लिए, इनके सवालों को भी आंसर करते हैं। दूराटे बोलते हैं, देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हमारे ख्याल से डेमोक्रेसी भी बरोबर है और तानाशाही भी। ये जो वन मैन आर्मी वाली तानाशाही चल रही है, ये हमारे लिए अच्छी है। हमें वो हजारों लाखों गुंडों वाली तानाशाही नहीं चाहिए। भ्रष्टाचार कर्मचारी, ये हमें इनकी तानाशाही नहीं चाहिए। अरविंद केजरीवाल के बारे में ध्रुव राठी बोलते हैं कि पिछले एक महीने में ऐसा ऐसा हुआ। अरे बाबा ध्रुव राठी, तुम्हें ये नहीं मालूम कि अरविंद केजरीवाल को समन्स गए थे, ईडी के तरफ से समन्स गए थे। एक समन्स नहीं गया था, ना ही 2 समन्स गया था, कितने सारे समन्स गए थे। फिर भी अरविंद केजरीवाल ने वो समन्स का लिहाजा इज्जत नहीं रखी, इसलिए उनको ईडी ने उठाया। वैसे तो देखा जाए किसी क्रिमिनल को पहला समन्स या दूसरा समन्स, उसके बाद में तीसरा सीधा पकड़ वारंट निकल जाता है। इनके बाद इनके तो 17 समन्स निकल गए थे। 17 समन्स निकलने के बाद में भी ये पेश नहीं हुए तो इनको पकड़ के नहीं लेके जाएंगे तो क्या इनकी आरती उतारेंगे? हाँ रहेगी, अभी मैं बता रहा हूँ, आप जो बोल रहे हो आंखें खुली रह जाएंगी। अरे आंखें खुली तो तब हुई थी हमारी 2014 में, इसलिए तो हमने बीजेपी पार्टी को लाया। मनरेगा घोटाला पता है आपको? मनरेगा घोटाला, अरे एक गरीब को तुम मनरेगा की स्कीम के तौर पे अगर 400 रुपये रोज दे रहे हो, उसमें भी घोटाला कर रहे हो। गरीब को जो दे रहे हो उसमें भी घोटाला, फिर कितनी बड़ी बात हो गई। ये बोलते है कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन 1 साल 2 साल से अंदर है, भाई बेल नहीं मिल रही बोलते इनको। अरे भाई आपको पता नहीं है, 2014 के पहले इतनी फटाफट बेल मिलती थी जिसकी हद नहीं। कोई भी मर्डर करता था, 3 महीने के बाद में उसे बेल मिलती थी, जमानत मिलती थी। 2014 के बाद में ये सब खत्म हो गया। एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच साल बेल नहीं मिलती उनको। हालांकि आरोपी सिद्ध नहीं कराया जाता, लेकिन बेल नहीं मिलती तो उनका क्या करे फिर? इनको डायरेक्ट बेल दे दे, ये जो बड़े बड़े घोटाले कर रहे। हाँ, तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि हम आपको बेल दे देते हैं और आप फिर से घोटाले करो, है ना? भाई वो कानून 2014 के पहले था, अभी जो कानून आया है ना 2014 के बाद में जो लाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के तानाशाह, हमको चलेगा। हम उनको तानाशाह बोलेंगे और वो तानाशाही करेंगे, चलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने देश के लिए समर्पित की है। जो इंसान ने अपने देश के लिए पूरी ज़िंदगी समर्पित की हो, उसके ऊपर हम आग बंद करके भरोसा कर सकते हैं, समझे? तुम क्या बता रहे हो?